गाजियाबाद जिले की पुलिस पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। साहिबाबाद के व्यस्ततम इलाके मोहन नगर में दिन दहाड़े पुलिस की कार सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी महराज सुलेमानी पुलिस की गोली से घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस ने बदमाश के पास से एक कार, पिस्तौल और कारतूस बरामद किए हैं। थाना साहिबाबाद में कुछ दिन पहले मोहन नगर पे सवारी बैठाकर कुछ व्यक्तियों द्वारा लूट की गई थी, जिसमें कि एक गाड़ी का प्रयोग किया गया था और उस गाड़ी में जिसको बैठाया गया था उससे उसका मोबाइल फ़ोन, घड़ी और कुछ पैसे लूटे गए थे। इसके गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई थी। इसी के क्रम में आज थाना साहिबाबाद क्षेत्र में वही गाड़ी देखी गई। जब उसका पीछा किया गया तो उसमें 3 बदमाश सवार थे, उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में उनमें से एक बदमाश घायल हो गया है। 2 बदमाश यहां से भाग निकले हैं जिनको अभी खोजा जा रहा है। कॉम्बिंग टीम हमारी लगी हुई है। जो घायल बदमाश है उसका नाम सुलेमानी है, उसको एडमिट कराया गया है यहां पास के हॉस्पिटल में, उसका इलाज कराया जा रहा है। अन्य अभी उससे पूछताछ की जा रही है।